हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? बताइए, पहले तो देख लेते हैं सेशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। द हिंदू के सेशन में आप सब सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके क्वेश्चंस लूँगा रिगार्डिंग कि हिंदू के एनालिसिस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए एक्सेट्रा। गुलशन कुमार, विजय मिश्रा, अमिता तिवारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इफ आई रीड द हिंदू फ्रॉम टुमारो इज इट बेनिफिशियल फॉर पेपर टू? हाउ मेनी ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर इशूज रिक्वायर्ड फॉर पेपर टू? गुलशन कुमार का क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ठीक है, लेट एवरीबडी ज्वाइन इन। हर एक को आ जाने दीजिए, दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं द हिंदू का सेशन, जहाँ पर मैं बेसिकली यही बात करने वाला हूँ कि द हिंदू तो पहली बात इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर है क्यों। ठीक है, मतलब वैसे तो आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है और इंडियन एक्सप्रेस भी है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट पेपर। ठीक है, तो हमें द हिंदू क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारी ये पेपर वन और पेपर टू में हेल्प करता है, CAPF के पेपर में, CDS के अंदर तो इसकी नीड हर जगह पर ही है, CDS के आपके GS के प्री जो GS का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का पेपर है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट। सेकेंड इन दी SSB इट इज डेफिनेटली प्रीटी मच नीडेड। ठीक है, SSB में तो इसकी नीड है ही, इन द सेंस कि आपको वेरियस इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप लेक्चर एट में जाए, चाहे ग्रुप डिस्कशन में जाए। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, उस पर आने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है जी कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है संजय कुमार सिंह, आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आई एम दी एलुमनस ऑफ दी प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून एंड IIMC न्यू दिल्ली। IIMC का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली। तो मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी पर लिखा है, क्लियर्ड UPSC CDS एंड SSB इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टिंट्स एट इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर MHA एंड डिफेंस जर्नलिज्म, एक्सपर्ट इन जनरल स्टडीज सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन विद फोकस ऑन पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर दी SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने Unacademy पे करे हैं। आई एम करेंटली डिफेंस कैटेगरी में, मैं सबसे पुराना एजुकेटर रहा हूँ आपके Unacademy पर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं रिलेटेड टू जनरल जनरल स्टडीज़ में, ऑलमोस्ट ऑन एवरी सब्जेक्ट एंड ऑन दी SSB। करंटली द हिंदू पर मेरा Unacademy प्लस पर एक कोर्स आता है जिसे मैं कर रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ द रेफरल कोड Sanjay2। इसका फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एडमिशन लेते वक्त तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि द हिंदू इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, एक बार मैं कमेंट सेक्शन भी देख लेता हूँ, बच्चे काफ़ी सारे आ गए। गुड इवनिंग सर, सर प्लीज एक दिन इंडियन एक्सप्रेस का बता दीजिए 5 मिनट में। विजय, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आनंद, द हिंदू ऑलवेज, द हिंदू इज अ बेटर पेपर, क्योंकि द हिंदू में क्या है कि द हिंदू के अंदर जो आपकी न्यूज़ है, ज़्यादातर आपकी न्यूज़ कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में कई बार पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि हिंदू में भी हमने देखी है, बट जो हिंदू में इन्वायरमेंट की कवरेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कवरेज है और IR की कवरेज है, स्पेसिफिकली जो उसके ऑपेड के एडिटोरियल्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं किसके क्वेश्चन का जवाब करूँ, आनंद के। ठीक है, और उसके साथ अगर आप देखोगे द हिंदू इज ऑल्सो एडवांटेजियस, इन द सेंस आपको ये पिकअप करना आना चाहिए कि इसके अंदर ये जो बात कही जा रही है ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। इसका मतलब ये है कि जब आप फौजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, खासकर CAPF के एग्जाम की तैयारी, और आप CDS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आपके व्यूज पॉलिटिकल हो सकते हैं? क्या आप BJP को प्रो या एंटी कांग्रेस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक ए पॉलिटिकल नौकरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपकी जो फौजी और जो वर्दी वाली नौकरी है, दीज आर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क अंडर द गवर्नमेंट। हमारे यहां पर कोई कू नहीं हुई है, हमारे यहां पर कोई मिलिट्री जनता नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर के अंदर या आर्मी राज के फेवर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर में कई बार क्या होता है, हिंदू के अंदर अब गवर्नमेंट को बड़ा हार्शली क्रिटिसाइज करा जाता है बिकॉज वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल गैप। उस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा कि आप इस आइडियोलॉजी में ना फंसे, आप अपने फैक्ट्स पर बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर बात करें, जो गवर्नमेंट बोलती है उस पर बात करें। बेसिकली आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना पड़ेगा, और बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने के लिए आपको काफ़ी रीडिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है जो आपको बता सके दिस इज़ द राइट थिंग या दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत
फायदेमंद रहूंगा, क्योंकि मैंने ये काम बहुत टाइम से करा है। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने द हिंदू पढ़ाया किस तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है इस न्यूज़पेपर में, क्योंकि अगर आप द हिंदू की पूरी फिलॉसफी फॉलो करने लग जाएंगे तो एग्जाम में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज सर्टेन टाइम्स वो गवर्नमेंट को बेकार में भी बैश करता है, सर्टेन टाइम इट्स फाइन, और जब आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो देन यू ऑल्सो नीड टू कम अप विद द पॉइंट्स हाउ टू, कि अगर ये चीज़ खराब है तो इसे ठीक कैसे करा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज हैज बीन अ बिट ऑफ माई जर्नी विद दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद मेजर गौरव आयर आर्या, यहाँ पे CIA CSO जनरल आपके फॉर्मर जनरल वी के संघ नाउ मिनिस्टर एट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA। ठीक है, तो ये जो आपका द हिंदू कोडेड सीरीज है ये 10 February 2020 से स्टार्ट हुआ था और ये आपका December 2020 तक लगातार चलेगा, फिर आपकी नई सीरीज आएगी 2021 की। तो दिस इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूस सीरीज गोइंग ऑन जो आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस की चलेगी, जो आपको बहुत फायदा रहेगी, और मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं और किस तरीके से आपको करना चाहिए अगर आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि इस कोर्स में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको कवरेज करना चाहिए। एक बार मैं जरा देख लूँ कमेंट। ठीक है, ओके, नीमा नोरबू शेरपा सर आई जस्ट वन हैड कैन एसी ऑफ कोस्ट गार्ड जॉइन NSG। ठीक है, इसी ये द हिंदू एनालिसिस का सेशन है, आई विल नॉट बी आंसरिंग द कोस्ट गार्ड रिलेटेड क्वेरीज आउट हेयर। हाय हाय शशांक कैसे हो। ठीक है, विजय मिश्रा सर एक प्लीज़ एक इंडियन एक्सप्रेस का बता दीजिए। सी बेसिक प्रिंसिपल आपके विशाल विजय सेम ही रहेंगे, जो हिंदू में प्रिंसिपल्स होते हैं वही इंडियन एक्सप्रेस पे रहेंगे। ठीक है सर, इफ आई रीड गुलशन, अगर आप हिंदू कभी भी पढ़ना स्टार्ट करिए वो आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर पेपर टू के लिए। पेपर टू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बात करते हैं। ठीक है, इनडेप्थ एनालिसिस ऑफ द हिंदू फ्रॉम डिफेंस एंड CAPF पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अलग अलग एडिटोरियल्स आते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा, तब आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। फैक्ट तो आपकी MCQ की स्टेज में ऑलरेडी हो चुका है खत्म। इस स्टेज के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपको इसके बारे में क्या पता है, आपको इंडिया US रिलेशनशिप के बारे में क्या पता है, आपको बेका के बारे में क्या पता है, आपको लेमुआ के बारे में क्या पता है, आपको कॉमकासा के बारे में क्या पता है, कैट्सा के बारे में क्या पता है, भारत और US के जो आज संबंध है, जो मोदी जी और ट्रंप के संबंध है, इनसे फ्यूचर जियोपॉलिटिकल सिग्नेचर्स में क्या फ़र्क आएगा, जो इस वक्त पेकॉम की बात करी गई है और जो ट्रंप ने बात करी थी इंडिया शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दी क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और US का है, साउथ चाइना सी की बात करी उन्होंने, पैसिफिक की तरफ फोकस की बात करी, तो दैट इज बेसिकली ट्राइंग टू काउंटर दी एडवेंचर्स ऑफ चाइना इन दी साउथ चाइना सी एंड दी जो वहाँ पर अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी की बात करता है। तो इन सारे मुद्दों को समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक दिन में नहीं आएगी, करीबन 5-6 महीने जब आप लगातार पढ़ेंगे, लगातार एनालाइज करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इज रिफ्लेक्टिंग यू इन दी पेपर टू। आपके CAPF के एसे को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत अच्छी तरह रिकमेंड करूंगा दैट यू कम एंड ज्वाइन दी कोर्सेज, एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन द कोर्स दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, और किसी के क्वेश्चंस प्लीज आस्क योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हाइक हुआ है, यस आनंद, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हाई हुआ बढ़ गया है, इसी महीने उसके प्राइजेस बढ़े हैं। जनवरी तक उसके प्राइजेस 8,000 रुपए के थे एक साल के, अब एक साल के प्राइजेस 8,500 हुए हैं। तो हर 3-4 महीने में प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। आपसे यही रिकमेंडेशन होगा कि आप जब इसके प्राइजेस कम होते हैं तब ले लीजिए, जैसे कि अब इसके प्राइजेस आने वाले टाइम में 9,000, उससे बेटर है कि आप 8,500 वाले में ले लीजिए। तो बेसिकली एक साल की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं, एक साल का सब्सक्रिप्शन आई थिंक आपका 8,500 का है। इस पर जब आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे Sanjay2 तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर फ्री लेक्चर्स देखें, वहाँ से भी आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाएंगे जिससे आपको ये कोर्स थोड़ा और सस्ता पड़े। ठीक है, ओके, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर क्वेरीज, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज रिलेटेड टू द हिंदू। ठीक है, जितनी भी क्वेरीज है पोस्ट करिए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड कंटेम्प्रेरी इंटरलिंकिंग ऑफ MCQ SSB इंटरव्यू एंड CAPF SA। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंटरलिंकिंग आए, अगर आप इंटरलिंकिंग नहीं ला पाएंगे तो CAPF के SA में बहुत प्रॉब्लम होगी
और फाइनली जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहां पर ये नहीं पूछने वाले कि भारत की राजधानी क्या है, वो आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछेंगे, क्योंकि वो जो एमसीक्यू वाली नॉलेज थी, जो आपकी एमसीक्यू वाली नॉलेज थी वो तो एग्जाम में ले ली गई, ठीक है, जो एमसीक्यू वाली आपकी नॉलेज थी वो तो ऑलरेडी एग्जाम में ले ली गई है। अब वो आपसे पूछेंगे भाई आप सोचते क्या हो, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो गए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुद्दे हो गए, नक्सलिज्म का मुद्दा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हो गया, तो जब आपसे मान लीजिए भारत यूएस की बात करी जाए, जम्मू कश्मीर की बात करी जाए, नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि जो करंट में वहां पर चीजें चल रही हैं वो आपको पता हो, और करंट को आपको पास्ट से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये कोई 10 मिनट की चीज नहीं है जो आप इतनी जल्दी सीख जाओगे या 5 दिन में सीख जाओगे, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी होती है। जब भी आपको कोई बोलता है कि न्यूज़पेपर छोड़ दो ये फैक्ट पढ़ लो, तो वो अप्रोच होती है साइलेंसर वाली अप्रोच। जैसे थ्री इडियट्स में दो कैरेक्टर है, एक रणछोड़दास है और एक साइलेंसर है। अब साइलेंसर क्या, बस रटता रहता है, रटने से आप सिर्फ स्टेज वन क्लियर करोगे, ठीक है। साइलेंसर अगर आप बनोगे, वो जो साइलेंसर है उससे सिर्फ स्टेज वन क्लियर होने वाली है आपकी, सिर्फ स्टेज वन क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको स्टेज टू यानी कि सीएपीएफ का एसए निकालना है या एसएसबी निकालना है, एसएसबी में खासकर जो आपका आयो वाला पार्ट है, जो आपका लेक्चरेट वाला पार्ट है, आपका ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपने पहले से एनालिसिस कराओ, अगर आपको पता है कि दुनियादारी में क्या चीज चल रही है, हाउ आर द थिंग्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हो, सोशल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, और इसे अगर आप 6-8 महीने फॉलो कर गए तो आपके पेपर के अंदर आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी और आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ठीक है, ऋषिकेश सिन्हा, सर इज इट बेटर टू कीप सम पॉइंट ऑफ वेरियस टॉपिक्स एज नोट एंड यूज इन पेपर टू इन कंपेरिजन टू टेक नोट्स ऑफ एवरी फैक्ट एवरी डे, ठीक है। देखो कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे इंडिया यूएस रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, इसका मान लीजिए तुमने रजिस्टर के अंदर एक एक पेज बनाया हुआ है, उस पर तुम छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने ऐड करते हो न्यूज़पेपर के बाद। अब जो रेगुलर है, अब जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है कि सर रेगुलर न्यूज़पेपर में कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल दिखाता हूं। किसका क्वेश्चन है ये, ऋषिकेश सिन्हा का, पेपर में पॉलिटिकल स्टोरी को कैसे बाहर करें, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये पहले तो मैं आपको दिखाता हूं, ये 2 मार्च का आज का मेरे न्यूज़पेपर जो मैंने एनालिसिस करा है, ठीक है, यूरेशियन ऑटर फाउंड इन चिल्का लेक। देखिए सीधा मैं पेज 6 पर आया हूं, क्योंकि पेज 1 to पेज 5 ये बेसिकली आपके आनंद के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, फिर ऋषिकेश का भी बता रहा हूं, ठीक है। कि जैसे ही मैं पेज 6 पर आया, आपने देखा पेज 1 to 5 गायब है, क्योंकि उसे पॉलिटिकल न्यूज कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है। तो यहां पर आपके चिल्का की बात करी गई, 80% बेनिफिशियरीज इन आंध्र प्रदेश गेट पेंशन एट डोरस्टेप ऑन टाइम। अब ये वाली जो न्यूज है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड है, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ स्कीम से रिलेटेड, एक्सपेंशन ऑफ डीबीटी स्कीम से रिलेटेड है, और आपकी जो डोर टू डोर सर्विसेज है ये और किससे रिलेटेड है, जो हमारा एसए आता है गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज वर लॉन्च्ड बाय दिल्ली एंड सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज, जैसे कि अभी आपने पूछा क्या नाम है बच्चे का, ऋषिकेश आपने पूछा, अभी उड़ीसा के नवीन पटनायक की न्यूज आई थी कि उन्होंने बोला था इस टाइप की सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज वो भी देंगे, जैसे दिल्ली में 2018 में 50 सर्विसेज आई, फिर 100 सर्विसेज हुई। तो ये सारी चीजें अगर आप छोटे छोटे स्निपेट भी बनाते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा, अगर आप खुद कर रहे हैं। अदरवाइज अगर तुम मेरा कोर्स करो तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगी। मैं आपको एक झलक भी दिखाऊंगा, जीएसटी कलेक्शन इन फरवरी अप बाय 8%, वाटर क्राइसिस लूम्स लार्ज इन हिमालयन रीजन, स्टडी फाइंड्स, ठीक है। इस टाइप की सारी न्यूज में आपको एक एक पॉइंट पेज वाइज किस में है, कौन से चीज से रिलेटेड है, नेशनल से रिलेटेड है, इंडिया यूज टू नेशनल, अभी एनवायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है, विथ फॉलिंग एलोकेशन नेवी लुक्स एट फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एक्सपर्ट रेस कंसर्न्स फॉर इंडिया ओवर यूएस तालिबान एग्रीमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट को 29th को एग्रीमेंट हुई थी, फर्स्ट को न्यूज़पेपर में आई। अब इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, इस पे सीएपीएफ का एससी भी आ सकता है आपका, कि जो तालिबान एग्रीमेंट है उस पर आपका क्या सोचना है। तो उसके अंदर आपको जियोपॉलिटिकल एरिना से इंडिया पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको, और ये देखिए द हिंदू एडिटोरियल्स में मैं आपको करवाता हूं, ये मेरे कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेंगे तो कोर्सेज भी, तो देखिए रीजनल बॉन्डिंग, ठीक है, यहां पर ये जो बोल्ड में आपको दिख रहा है इसको मेरा पॉइंट है आपको समझाना, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी न्यूज कवरेज होती है इस कोर्स के अंदर, ठीक है, दिस इज द वे,
ठीक है, दिस इज द वे द न्यूज वुड बी कवरेज, यूरेशियन फाउंड इन चिल्का, यहां पर येलो येलो से कवरेज होगी, दिस वुड बी प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स इस तरीके से बनाइए। ठीक है, अभिषेक सर सीएपीएफ सीएससी एग्जाम से इजी है? यस यस इजी है, सीए सिविल सर्विसेज में आपका अच्छा खासा इनडेप्थ मेंस का पेपर आता है। सर हिंदू एनालिसिस डेली होगा? यस बासु ये डेली होगा, बट ये यूट्यूब पे नहीं होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर आना पड़ेगा। ये कोर्स मैं मंडे टू सैटरडे करता हूँ, हर दिन 6 to 7:30 ये कोर्स होता है, मंडे टू सैटरडे 6 to 7:30 ये कोर्स होता है, जिसके अंदर मैं द हिंदू की पूरी कवरेज करता हूँ, एंड देन वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस एडिटोरियल वगैरह भी हम करते हैं। ठीक है सर, फिल्टर कैसे करें कि विच न्यूज इज बेनिफिशियल एंड विच इज नॉट, कोमल कौशल? ये देखिए, फिल्टर इस तरीके से करना चाहिए, जैसे अगर आपकी कोई पॉलिटिकल न्यूज आ रही है, आंध्र प्रदेश में इस पार्टी ने उस पार्टी को सपोर्ट करा, ये करा, दिल्ली में इतने दंगे हो गए, अब दिल्ली में इतने दंगे हो गए, दिस न्यूज इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दिल्ली में दंगे हुए, आपके कम्युनल दंगे हुए, कम्युनल डिबेट आता है, देयर इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, बट दिल्ली में कितने दंगे हुए, कौन सी जगह पर किसको मारा गया, ये आपके, सॉरी टू से दिस बट दिस विल नॉट बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके एमसीक्यू पेपर में नहीं आएगा किसने किस पार्टी का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। जब भी पॉलिटिकल न्यूज आती है उसका पॉलिटी का एंगल आ सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी निर्भया का केस चल रहा है, तो आपसे रेप से रिलेटेड लॉस पूछे जा सकते हैं। जो क्यूरेटिव पिटिशन डाली गई थी वो फेल हो गई है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, रिव्यू पिटिशन क्या होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है। इन सारी चीज को मैं अपने कोर्सेज में कवर अप करता हूँ, तो आपको बहुत फायदा होगा कि पॉलिटिक्स से वो वाला एंगल कौन सा निकाले जो लक्ष्मीकांत में आता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कंटिन्यूस, मान लीजिए आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 की बात कर रहा है, सबरीमला के केस की बात करी जा रही है, तो सबरीमला के केस में आर्टिकल 25 की बात करी जाती है, 15 की बात करी जाती है, तो दीज आर्टिकल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छाटना पड़ेगा। सर फॉर्म कब आएगा, कौन से एग्जाम की फॉर्म की बात कर रहे हो? सर अगर सेल सर ऑल्सो प्लीज अलाउ हाउ टू लिंक वन पैराग्राफ, तो ये दिस इज नॉट अ एसे क्लास ऋषिकेश। ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ये बेसिकली तुम्हारा सीएपीएफ पेपर टू का डाउट है, सीएपीएफ के एसे का डाउट है। यहां पर मैं द हिंदू एनालाइज कर रहा हूं, आई कांट गेट इनटू द क्वेश्चन विच यू आर बेसिकली आस्किंग, कि मैं आपको बताऊं कि एसे को इंटर रिलेट कैसे करना है। आई थिंक यू नीड टू, If you are already, are you on my Unacademy Plus classes? तो मेरा द हिंदू का एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर मैं ये सिखाता भी हूँ। मैंने एक सिक्योरिटी का कोर्स भी करा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स करा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी में सारे आपके कोर्सेज टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, वहाँ पर आपको ये जो आपका पॉइंट है कि फर्स्ट पैरा को सेकेंड पैरा से कैसे लिंक करना है, वहाँ पर कवर अप करा है, दैट वुड बी हेल्पिंग यू। हाय श्रीमती, हेलो सर, बहुत दिनों बाद आपको देखा, हाउ आई एम वेरी गुड। ठीक है, CDS का फॉर्म अभी तो टाइम होएगा, CDS के फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम है, अभी तो CDS का एग्जाम खत्म ही हुआ आपका 2 February का, उसका मेरे ख्याल से बाय अप्रैल रिजल्ट शुड कम, बिकॉज लास्ट ईयर भी रिजल्ट जल्दी आ गया था, तो उसके बाद फॉर्म देखना, अभी तो थोड़ा टाइम है उसके फॉर्म आने के अंदर। ठीक है, अभी तो आई थिंक सम डेज बैक पहले NCC के फॉर्म्स निकले हुए थे आपके, NCC स्पेशल एंट्रीज के। एनीवेज गाइज, एनी मोर क्वेश्चंस डू यू हैव, प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनालिसिस पार्ट। अच्छा ऋषिकेश, अगर तुम ऑलरेडी हो तो फिर मेरे पुराने वाले कोर्स को देखो, उसमें तुम्हें हेल्प होगी। ठीक है, आई एम वेरी गुड अमित। ठीक है, तो जैसे ये आज का एनालिसिस था, इस तरीके से आई विल डू अ लॉट ऑफ पिक्चर, ये पिक्चर एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पिक्चर से हमें, पिक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ज्यादा टाइम के लिए हमें याद रहेगा। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर के अंदर जब इन्वायरमेंट की न्यूज आती है तो किस किस चीज से इंपॉर्टेंट आती है, IUCN की कैटेगरी से इंपॉर्टेंट आती है, कि भाई IUCN की कौन सी लिस्ट में, इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में, किस लिस्ट के अंदर ये बेसिकली आता है, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की बात करी गई है, फिशिंग कैट की बात करी गई है और ऑटर की बात करी गई है। ठीक है, नाउ दीज टू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको अब बोला जा रहा है कि इसको आपके हाइएस्ट अकॉर्ड दिया जाएगा टू दी कंट्रीज मच लाइक टाइगर एंड एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद 80% बेनिफिशरीज इन आम अरुणाचल प्रदेश गेट पेंशन एट डोर स्टेप ऑन दी, तो यहां पर फिर से वही DBT की बात करी जा रही है, गवर्नेंस की बात करी जा रही है, तो दिस बिकम्स अ फीडर इंफॉर्मेशन,
ये आपके एसए के लिए, आपके एसए के लिए और आपके जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए एक फीडर इंफॉर्मेशन बन जाती है, सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी कोट्स आती हैं, ठीक है। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि आर नॉलेज इज लाइक, कि जैसे कि हम मुट्ठी में रेत बराबर चीज़ें पकड़ते हैं, ऐसी हमारी नॉलेज है जो हमें कई बार हमें पता भी नहीं है कि कितनी डार्क जगहों में हमें नॉलेज मिलेगी। एक फिश पाई गई थी। तो इस टाइप की जो कोट होती है, अगर आप अपना मान लिया जाए CAPF का एसे स्टार्ट कर रहे हो, ये CAPF का एसे, और यहाँ पर आप स्टार्टिंग में कोट लिखो, कोट के साथ स्टार्ट करो, बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। खासकर अगर प्राइम मिनिस्टर की लिखो या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की लिखो या किसी बड़ी फेमस लोगों की लिखो, तो न्यूज़पेपर में लगातार कोट्स आती हैं, दैट वुड बी हेल्पिंग यू आउट। जो बच्चे एसएसबी में जा रहे हैं, लेक्चरेट के अंदर इफ यू कैन स्टार्ट विद दिस, तो इट वुड बी हेल्पिंग यू आउट कि आप कोट से अगर, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के अंदर तो फिर भी आपको काटा जा सकता है, ठीक है, बट लेक्चरेट के अंदर जो 3 मिनट मिलते हैं वो बेसिकली आप ही के, आप ही को स्टार्ट करना है, आप ही को खत्म करना है। जैसे लेक्चरेट के 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बीच में बॉडी होती है, लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है। इसी 3 मिनट के लेक्चरेट को अगर हम लंबा करते तो ऐसे बन जाता है कि इंट्रोडक्शन देना है और आपको बॉडी बनानी है और कंक्लूजन करना है, विच इज लाइक अ जीरो, विच इज लाइक अ सर्कल, कि वो कंप्लीशन की फील देनी चाहिए आपके रीडर को, ठीक है। इसके अंदर न्यूज़पेपर आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आप में से काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन लेकर आते हैं, सर लिखना तो चाहते हैं बट नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज देगा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो मैं आपके साथ करूंगा। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम ये वाला टॉपिक करें रीजनल बॉन्डिंग, अभी रीजनल बॉन्डिंग का जो एनालिसिस है, ये जो एडिटोरियल आया था, ये बेसिकली सार्क के टॉपिक के टॉपिक से रिलेटेड है। विक्रमा सिंघे जो थे वो आपके द हिंदू के हर्डल में, हर्डल इवेंट में आए थे, और उन्होंने श्रीलंका की बात करी। उन्होंने बोला कि किस तरीके से अगर हम अपने साउथ ईस्ट एशिया को कंबाइन करा जाए, खासकर साउथ एशिया को, श्रीलंका को हम बना के सार्क को रिवाइव करा जा सके, तो वी कैन क्रिएट कंपटीशन टू आशियान कंट्रीज, हम अपना हब बनाएंगे। काफ़ी सारे मुद्दों पर उन्होंने बात करी, ठीक है। इसी तरीके से ट्रंप के ऊपर एडिटोरियल आया हुआ है, आज का जो एडिटोरियल था वो तालिबान कैसे एक फेल डील हो सकती है, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। दैट मीन्स चेक सम क्वेश्चंस। सर राइटिंग ऐसे का कोई कोर्स ले आओ आप प्लीज़ CAPF के लिए। सर मैं जैसे आपका DNA कर रही हूँ, देन न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं नहीं अमिता, नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कंटेंट दे रहा हूँ, एडिटोरियल दे रहा हूँ। हाँ, कई बार मैं आपको एडिटोरियल का होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन अनफ, क्योंकि सारा एडिटोरियल, अभी जो लैंग्वेज है ये भी आपकी हिंदू की है, मैंने अपने हिसाब से कोई लैंग्वेज बनाई नहीं, तो आपकी लैंग्वेज में भी सुधार होता है। और उसके बाद कई बार मैं आपको एडिटोरियल दे देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन एनफ। बाकी तो बहुत सारा कचरा ही होता है पेपर के अंदर, ठीक है, जैसे कि वो बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, इसने इसको सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, दैट इज़ विच वी डोंट नीड टू कवर सो मच। एंड सर ऑथेंटिक फैक्ट रिलेटेड टू न्यूज़ मैंशन कर सकते हैं इन स्टार्टिंग पॉइंट? बिल्कुल कर सकते हो कोमल, बिल्कुल कर सकते हो। सर आप बहुत अच्छे से टीच करते हो, थैंक यू सुनील, ठीक है। और अमित इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने द हिंदू को बहुत टाइम से फॉलो करा है, जब मैं UPSC के एग्जाम्स दे रहा था सिविल सर्विसेज के, तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई हैव रेड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे इसका लेफ्ट राइट सेंटर पता है, कहाँ से कौन सी न्यूज़ पिकअप करता है और UPSC एग्जाम में इसको कैसे उठाता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आज के न्यूज़पेपर का एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आज एक न्यूज़ आई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है, इंडिया टू होस्ट 457 माइग्रेटरी फौना, तो बेसिकली आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ की मीटिंग हुई थी, ठीक है, आपके गुजरात गांधीनगर के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर 457 टोटल माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करी गई है। अब इसमें क्या है, तीन फ्लाईवेज हैं जिसकी तरह ये आ सकते हैं, फ्लाइट पाथ्स यूज्ड बाय द बर्ड, द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, द ईस्ट फ्लाईवे एंड दी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फाइबे। अब ये जो पूरी की पूरी न्यूज है, इसमें पूरे के पूरे अफेयर्स है। अब देखिए मैंने किस तरीके से कलर कोडिंग करी हुई है, चाहे आप सबको बड़े आराम से समझ में आ जाए, ठीक है, कि ये तीन कैसे आएंगे, 1, 2, 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द माइग्रेटरी स्पीशीज कम टू इंडिया, 1 is right, 2 is right, 3 is right। इसमें क्या करेगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना, ईस्ट को कर देगा साउथ ईस्ट कर देगा, ईस्ट को कर देगा यूपीएससी वेस्ट, बन गया आपका MCQ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, यही तो उसका पुराना गेम है, ठीक है। अब जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है वो बर्ड्स का हो रहा है, फिर मैमल्स का हो रहा है, फिर फिश का हो रहा है, फिर रेप्टाइल्स का हो गया, 1, 2, 3, 4। वो आपसे पूछ सकता है भाई इसकी क्रोनोलॉजी बना दीजिए, आगे पीछे कर देगा, मैमल को नंबर 1 ऑप्शन, बर्ड्स को नंबर 2 ऑप्शन, इस तरीके से आपके MCQs बन जाएंगे।
हर दिन न्यूज़पेपर अगर आप इन डेप्थ पढ़ो तो आपका करंट अफेयर्स कवर अप होता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग सेक्शन की जो न्यूज़ आती है वो कवर होता है। अब आप बोलोगे सर हिस्ट्री कैसे कवर अप हो जाता है, तो हिस्ट्री के अंदर सेंटर रिव्यू लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स अंडर ASI, अब इसके अंदर एक लॉ की बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रली मॉन्यूमेंट वाला जो आपका लॉ है उसकी बात करी गई है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन विद इन 100 to 200 meters, अब इस लॉ की बात करी गई है। हर दिन आपकी अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें अखबार में छपती हैं, ठीक है, उससे अगर आप कवरेज करो तो आपके छोटे छोटे सेक्शंस कवर अप हो जाते हैं, आपको ये पता लगता है भाई इस जगह पर ये चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि आपके चांसेस है पॉलिटी के इस सेक्शन से पूछा जाए, आर्ट एंड कल्चर के इस सेक्शन से पूछा जाए, ज्योग्राफी से इस सेक्शन से पूछा जाए। मान लिया जाए बहुत सारे टॉर्नेडोज और टॉपीडोज आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, एंड जो कंट्री के अंदर काफ़ी कुछ चलता है, सो देर इज अ हाई रिलेटेबिलिटी दैट UPSC माइट आस्क अ क्वेश्चन, नॉट 100% गारंटीड, बट यही उसका ट्रेंड रहा है 70-80% कि जो बहुत करंट में चलता है वो उसका स्टैटिक सेक्शन भी आता है। तो करंट अफेयर्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें तो हेल्प होती ही होती है, बट जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैटिक एरियाज है, स्टैटिक एरियाज में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसमें तो बहुत फायदा होता है, और पॉलिटी में तो बिल्कुल डायरेक्ट फायदा है, पॉलिटी के अंदर तो डायरेक्ट फायदा है। हेलो सर, आई एम गोइंग टू गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर CAPF, आई वॉन्ट टू नो 5 months आर सफिशियंट फॉर दिस एग्जाम। यस अनमोल, 5 months आर सफिशियंट प्रोवाइडेड आप इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है। हाय, यस, ठीक है सर, जस्ट जैसे आप पढ़ा रहे हो द हिंदू, सो इंटरेस्ट डेवलप किया आपने न्यूज़पेपर को पढ़ने में, ठीक है, वेलकम कोमल, वेलकम, ठीक है सर। क्लास डेली इसी टाइम पर होती है विपिन? क्लास यहाँ पर नहीं होती है विपिन, क्लास ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि द हिंदू कैसे पढ़ना चाहिए, जो आपकी क्लास है, ठीक है। ठीक है, जो आपकी क्लास है, जैसे आप ये अभी देख रहे हो, ये क्लास जो होती है आपकी, क्लास हर दिन होती है द अनअकैडमी प्लस पर, ये आपके YouTube पे नहीं होती है इसकी क्लास, ठीक है, आपकी YouTube पे नहीं होती है ये क्लास, होती है अनअकैडमी प्लस पर, हर दिन 6 to 7:30 PM इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, अनअकैडमी प्लस में एडमिशन लेके मेरे इस कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आपके अलग अलग हैं, और आपके 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने अलग अलग टाइप के आपके सब्सक्रिप्शन है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ठीक है। तो जितना आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने टाइम तक के लिए आपको कोर्स अवेलेबल होगा, और ये द हिंदू कोड की सीरीज है जो बहुत लंबी चलेगी आपकी, ठीक है। और जो कोर्स पूछ रहे थे CAPF का कोर्स का, एक CAPF का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है, CAPF का कोर्स भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, आप में से काफी बच्चे तो ऑलरेडी उसमें इनरोल्ड ही हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 February को स्टार्ट हुआ, 31 July 2022 का चलेगा, इसमें आप रेफरल कोड Sanjay2 यूज कर सकते हैं, जाकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, ठीक है। और इसमें दो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांड प्रशांत जगता और दिव्या गुप्ता पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, सिद्धांत सर, विशाल सर और संदीप सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये CAPF का कोर्स है जो आप पढ़ रहे हो। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जब आप एडमिशन लेते हैं, चाहे आप इस कोर्स के लिए एडमिशन लीजिए चाहे हिंदू कोर्स के लिए, आप कोर्स की फीस नहीं देते हैं, आप सब्सक्रिप्शन की फीस देते हैं। इस वक्त अनअकैडमी प्लस के डिफेंस कैटेगरी में 30-40 कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर आपने 3 महीने का एडमिशन लिया तो वो सारे के सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, आप कोर्स की फीस नहीं देते हैं। ये नेटफ्लिक्स की तरह है या अमेजॉन प्राइम की तरह है, जिसमें आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं और जितनी पिक्चरें आती जाएंगी आप सब देख सकते हो। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जितने भी कोर्सेज आएंगे मेरे या अलग एजुकेटर्स के, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वन क्लैरिटी आई वांटेड टू गिव यू गाइस, ठीक है। सर मैं BSc फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मेरी पहली क्लास है सर, आप रियली में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सुनील, थैंक यू सर। अब लेट हो तो नहीं हो जाएगा CAPF का आपका? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं अमित, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, CAPF के लिए 5 to 6 महीने बहुत है, इन डेप्थ पढ़ो, अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। स्टैटिक एरियाज को कवर करो, स्टैटिक एरियाज की इस वाले कोर्स में क्लासेस चल रही हैं, द हिंदू की मेरी चल रही है, यहाँ पर द हिंदू की मेरी क्लासेस चल रही हैं, इन दो क्लासेस को तुम कंबाइन कर लो, आराम से निकल जाएगा CAPF का एग्जामिनेशन। ध्यान में रखिए ये क्लास हर दिन 6 to 7:30 PM होती है, 6 to 7:30 होती है, आपको अनअकैडमी प्लस में इसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इससे आप अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लो, और इस वाले कोर्स से आपका जो CAPF वाला कोर्स है इससे CAPF की तैयारी कर लो, ठीक है। अभी थोड़े दिनों में आपका CDS का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आने वाला है, जहां पर मैं भी रहूंगा, तो आपको आप द हिंदू के कोर्स और उस कोर्स से भी एनालाइज करके अपनी CDS की तैयारी कर सकते हो।
तो आपके पास सारी चीजें हैं, सीडीए सीएपे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। सीपीएफ में आपके न्यूज़पेपर की क्लास शो नहीं होती सर, मैं ऐड हूँ बस बैच में, कैसे देख सकता हूँ सर, कैसे और क्या करना है? ठीक है पंकज, कुछ नहीं करना, अगर आप सीपीएफ के कोर्स में हो आप कुछ मत करो, आप पहले आपके अंदर मेरे प्रोफाइल पे चले जाओ, मेरे संजय कुमार के प्रोफाइल पे चले जाओ, ठीक है, जो मेरा एजुकेट, आपके पास जो लर्नर्स ऐप है, अनअकैडमी का ऐप है आपके पास, उसमें चले जाओ, मेरे प्रोफाइल पे संजय कुमार, ठीक है, जो आपकी सीडीएस सीएपीएफ कैटेगरी में, मेरे प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको वहां पर प्लस कोर्सेज दिखेंगे, प्लस कोर्सेज का फिल्टर लगा दो आप, ठीक है, प्लस कोर्सेज का फिल्टर लगाओ तो आपको दिख जाएगा मार्च, मार्च द हिंदू, फेब्रवरी द हिंदू, उसके बाद सीएपीएफ का कोर्स, इसमें आप एनरोल कर दो, जैसे आप इसमें एनरोल करोगे आपको कोर्सेज दिखने लग जाएंगे, वेरी सिंपल, इतना ही काम करना है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो अमित, बिल्कुल कर सकते हो, मैंने एक एसएसबी पे भी कोर्स करा हुआ है, मैंने एक एसएसबी में बहुत सही कोर्स करा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। सर पेपर टू की प्रिपेरिंग कैसे करें? भूपेंद्र, पेपर टू की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस की बहुत जरूरत है, और वो ही मैं इस कोर्स में बता रहा था कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अनअकैडमी प्लस पर आइए भूपेंद्र जी, और वहां पर हम बात करेंगे कि हाउ टू टैकल द पेपर टू, और मैंने बहुत सारे कोर्सेज सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे भी कराए हुए जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आज का आपका द हिंदू का जो हमारा एनालिसिस है इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, अब मिलेंगे हम कल, कल बात करेंगे आपके कल या परसों के अंदर जब हमारी अगली क्लास होगी, उसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स को लेंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।